हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको बताने वाला हूँ एकदम इजी वे में। तो चलिए जो आंसर है उसको अभी देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की एक हेडिंग हो जाएगी एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच अंतर। तो जैसे ही ये हेडिंग डाल देंगे उसके बाद जो है हम अभी जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है वो जो एक पहला है इसमें कि पूर्ण प्रतियोगिता में अनेक विक्रेता होते हैं जिस कारण पूर्ति पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। उसके बाद सेकंड देखिए, इसमें नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने या उद्योग को छोड़कर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट है, इसमें अनेक फर्में होती हैं, अतः ये फर्में उद्योग से कीमतें स्वीकार करने वाली होती हैं ना कि मूल्य निर्धारक। फिर नेक्स्ट है इसी में फोर, पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती है। तो जो पूर्ण प्रतियोगिता है उसमें जो है स्वरूप जो वस्तुएं हैं वो पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है इसी में फाइव, पूर्ण प्रतियोगिता में एक ही मूल्य होता है यानी कि विक्रेताओं से वस्तुओं की एक ही कीमत ली जा सकती है और ली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसी में सिक्स, कि समरूप वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण बाजार में पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं। तो ये था हमारा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, और अब हम पढ़ते हैं एकाधिकार। तो अभी जो है हम पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच में अंतर पढ़ रहे हैं। तो ये जो है आपके पूर्ण प्रतियोगिता में सिक्स मैंने आपको बताए अंतर, अब एकाधिकार में देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए एकाधिकार में क्या है, पहला है हमारा कि एकाधिकार में एक विक्रेता होता है तथा विक्रेता कपूर्ति पर पूरा नियंत्रण होता है, सॉरी जो विक्रेता होता है उसकी जो पूर्ति पर जो है वो पूरा नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में जो है इशू हुआ है। उसके बाद देखिए इसी में नेक्स्ट है, इसमें नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। और अर्थात इसका मतलब है कि इसमें प्रवेश के लिए प्रभावपूर्ण रुकावटें हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड, कि इसमें फर्म या उद्योग एक ही होते हैं, अतः इसमें एकाधिकारी वस्तुओं का मूल्य निर्धारक होता है, फर्म या उद्योग जो है कीमत निर्धारक होता है। फिर फोर है, एकाधिकार में वस्तुएं विभेद पाया जाता है। फिर फिफ्थ है, एकाधिकार में मूल्य विभेद पाया जाता है यानी कि वस्तुओं की नई कीमतें प्रचलित होती हैं। फिर नेक्स्ट है सिक्स, कि एकाधिकार में यदि एकाधिकारी के वस्तुओं की कोई भी निकटतम स्थापन वस्तुएं बाजार में नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने आपको इजी वे में बताया। होप कि आप लोगों को जो ये आंसर है वो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोगों के साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।